नमस्कार दोस्तों, गूंज लाइव न्यूज में मैं शिव कुमार सिंह आप लोगों का स्वागत करता हूँ। साथियों, परसों 18 अगस्त गुरुवार को उल्ला में एक घटना घटी। उल्ला बिलाई 3 हाईवे में रायपुर से जो दुर्ग आ रहा है वे वहाँ पर एक बच्ची की दुर्घटना में मौत हो गई, जिसके बारे में आप लोग को जानकारी है ही है। कल हमारी टीम उल्ला के लिए रवाना हुई, जिस घर की वो बच्ची थी, खुशी साहू बच्चे का नाम था, 14 वर्षीय। उस बच्ची के घर हमारी टीम गई और उस पूरी वहाँ पर क्या क्या हुआ उसको लेकर के हम लोग ने वहाँ घर में लोगों से बात करी। पहले फ़िलहाल शॉर्ट में आप लोग को पूरा बता देता हूँ। परसों 11 से 11:15 के बीच में दो बच्चियाँ स्कूल जा रही थी, खुशी साहू सोनल नाम की दो बच्चियाँ स्कूल जा रही थी। जैसे ही वो उल्ला बस्ती से जैसे ही वो पार करती हैं भिलाई 3 चरोदा का हाईवे, पीछे से एक डंपर आ रही थी, मिक्सर गाड़ी थी वो, उन्होंने उसमें से एक बच्ची को कुचल दिया और उसकी मौत हो गई वहीं पर। दूसरी बच्ची घायल हुई, छुटपुट चोट उसको लगी लेकिन वो बच गई, ठीक है हमारी। उसके बाद जैसे ही मौके पर बस्ती वालों को, उल्ला बस्ती वालों को जैसे ही घटना के बारे में पता चला, परिवार वालों को, पूरा परिवार वहाँ पर आ गया, पहुँच गया और जो ट्रक ड्राइवर था उसको उन्होंने पकड़ के उसको अपने पास रखा हुआ था। पुलिस को फोन लगाया, तुरंत पुलिस आई, लोग काफ़ी गुस्साए हुए थे, लोगों ने कहा कि इसका बच्ची का मुआवजा हमें चाहिए। तो परसों सुबह से कलेक्टर और सब मौके पे पहुंच गए थे। उन्होंने बोला हाँ पैसा आ रहा है, पहुंच रहा है, आ रहा है, आ रहा है, इस तरीके से वादा उन्हें वो करते रहे। जब 1.5-2 घंटा लगातार लोगों ने देखा कि पैसा नहीं आ रहा है, मुआवजा नहीं मिल रहा है, तो लोगों ने वहाँ चक्का जाम कर दिया। वो चक्का जाम करीब करीब 7 से 8 घंटा रहा। बहुत देर बाद समझाने के बाद में वहाँ के जो बस्तीवासी थे वो वहाँ से हटे और करीब करीब 9:30-10 बजे परसों रात को उल्ला बस्ती में पूरी पुलिस बल पहुंच जाती है। और पहुंचने के बाद में पुलिस द्वारा बर्बरतापूर्वक, करीब 200 से 250 पुलिस वाले वहां रहते हैं, बर्बरतापूर्वक जो लोग उस चक्का जाम में नहीं थे मौजूद और बस्ती वालों के घरों में घुस घुस कर मारा पीटी करते हैं, जो बहुत ही निंदनीय है। पहले आप जिन लोगों के साथ मारपीट हुई है, हमारी टीम वहाँ पहुँची, वहाँ उन लोग का बयान ली, उन लोगों का बयान आप सुनिए पूरा, उसके बाद फिर मैं आगे की बात करूँगा। पुलिस वाले आए थे तो क्या हुआ था वो पूरा घटना आप बताएंगे? घटना ये हुआ था, वहाँ जो चक्का जाम हुआ था उसके बाद चक्का जाम हटवा दिया। चक्का जाम हटवाने के बाद कंप्रोमाइज करने के लिए घर में आए, मृत बच्ची है उसके घर, और वहाँ हम लोग बैठे थे, वहाँ बैठ के कंप्रोमाइज हुआ। 1,00,000 रुपया नगदी दिया और 4,00,000 रुपये का चेक दिया। उसके बाद कंप्रोमाइज हुआ, हम लोग सब हट गए वहाँ से, सब अपने अपने घर चले गए। उसके बाद पुलिस लोग, मैं घर आ रहा था और एक फौजी वाला भाई है रिटायर में, वो पूछा क्या हुआ। मैं बोला भाई डिसीजन हो गया, क्लियर हुआ है। और उसके बाद हम दोनों बात कर रहे हैं, पीछे से आया और दोनों झने को डंडा से बेरहमी से मारा गया। कितने लोग थे पुलिस वाले? कम से कम 100-200 आदमी। अच्छा। कर्मचारी थे, खुद एसपी था, एसपी अच्छा। मारे हैं खुद, अच्छा। एसपी खुद मारे हैं, बताओ। तो आपने बोला नहीं कि हम लोग घर जा रहे? उसको बोला हम, मैं बोला सर हाँ। आपके सामने हम कम्प्रोमाइज करके आ, अबे चुप, बात कर, बंद कर, बोला, गाली दिया।
आपके सामने हम बैठक से उठ के आ रहे हैं और इस तरह से बेरहमी से मारा जा रहा है। मैं वहाँ बहस बेहोश होकर के गिरने के बाद मेरे को लात धूसे से पूरा मारा है, एक निशान है यहाँ, हाथ भी फ्रैक्चर है, हाथ भी फ्रैक्चर है मेरा, इधर भी मारा एस पी था, हाँ खुद मारा है एस पी, हाँ और ये भी है, ये पूरा सूजा सूज गया, ये पूरा मारा चलने के लायक नहीं है। तो आप अभी चलने लायक नहीं है क्या, आपकी स्थिति कैसी है आपकी? तो नहीं चल पा रहा हूँ, तो मतलब प्रशासन से कोई आपको इलाज के लिए कोई कुछ नहीं बोला? कुछ नहीं बोल रहा है प्रशासन से, ना कोई आदमी बात नहीं कर रहा है। अच्छा, गांव का आदमी लोग आ रहा है, देख के जा रहा है। ठीक सर, आप कल क्या घटना हुई थी वो बताइए, और आप किस पद में है थे वो भी बताइएगा। सर मैं ग्राम उर्ला से रोमनाथ वर्मा भोजपुर सैनिक बोल रहा हूँ। मैं कल 9:30 बजे की घटना थी रात की, है ना, अचानक पुलिस दल वाला आए गांव में, लोगों को ताबड़ तोड़ मारना शुरू करते करते आया। मैं अपने घर में टीवी देखते हुए बैठा था खाना खा करके, तो आवाज़ सुन करके मैं बाहर निकला, बाहर निकला तो कम से कम मेरे घर के सामने कम से 25-30 पुलिस थे, ताबड़ तोड़ घर में मारना शुरू कर दिया। मैंने बताया कि सर मैं भूतपूर्व सैनिक हूँ, मेरा घर में खाना खा के जस्ट मैं अभी निकला ही हूँ करके, तो मेरे को ऐसा मारे, गाली तो दी अलग बात है सर, गाली मैं इसमें बयान नहीं कर सकता मैं, कि तुमको अगर तुम भूतपूर्व सैनिक हो तो तुमको क्या तगमा मिल गया है, ऐसा करके मतलब अनाप शनाप गाली दिए और मारपीट किए। चोट तो खैर मैंने सारे मीडिया भी दिखाया हूँ मैं, और घर में था मैं, धरना प्रदर्शन में कहीं नहीं था, दिन भर मैं अपने घर में था, मैं अपने आँख का भी ऑपरेशन कराया था, घर में ही हूँ मैं, परसों मेरी फीवर था, घर में ही था मैं, कहीं नहीं गया हूँ मैं, अपने घर के सामने मैं मार रहा हूँ मैं। और अभी पता चला है न्यूज़ में कि रोमनाथ वर्मा, अनिल कुमार वर्मा और कितने आदमी का नाम FIR दर्ज हो गया है। तो मैं अपने अभी सैनिक सभा में जा रहा था, सैनिक लोग भी मेरा सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन अब मैं सोचा मैं पारिवारिक व्यक्ति हूँ मैं, है ना, अब मैं कैसे करूँ, इसलिए सर मैं अपना भूतपूर्व सैनिक संगठन से भी अपना वापस नाम खींच रहा हूँ, क्योंकि मुझे गाँव में रहना, समाज में रहना है ना, और गाँव में सभा भी हुआ था, सब पंचायत भी हुआ था, वहाँ पे कोई लोग सामने नहीं आए कि आगे कोई नहीं बढ़े, चलो भाई गांव में आया है रात को बिना सूचना दिए, बिना कुछ कर्फ्यू लगे, 144 धारा लगे, ताबड़ तोड़ मारना शुरू कर दिए, गांव वाले भी मारे, गांव के अपने पार्षद को भी मारे, गांव के जो पूर्व अध्यक्ष हैं उनको भी मारे, मेरे भी मारे, उसके अलावा तो जितने भी मारे थे 50-100 आदमी को तो मारे ही मारे। तो आपका भी नाम जो है वो क्या बोलते हैं, FIR दर्ज है, अभी पता चला है मुझे, अभी पता चला, आधा घंटा पहले पता तो चला। आपको आपको इसके लिए कोई संबंध आया या कोई? अभी तक कोई संबंध नहीं। तो साथियों आप लोगों ने देखा, एक गिरवर साहू जो साहू समाज के अध्यक्ष है, और दूसरे आर्मी, दूसरे आर्मी से रिटायर्ड पर्सन जो उस चक्का जाम में मौजूद भी नहीं थे, पुलिस ने उनके घर पहुंच करके उनके घर के सामने उनके साथ मारपीट करी, जबकि वो घर के बाहर ही खड़े हुए थे और पूरे दिन के चक्का जाम में वो शामिल नहीं थे, गए नहीं थे। 5 से 6 पुलिस वालों ने बलपूर्वक उन्हें पकड़ा और मारपीट उनके साथ में करी। ये जो घटना घटी इसकी, इस घटना के बारे में जो पुलिस है, एडिशनल पुलिस है, उनका भी कहना है कि हाँ हुआ है, पुलिस ने किया है, लेकिन उसके पहले पथराव, बस्ती वालों ने पथराव किया। मेरा सवाल पुलिस प्रशासन से ये है कि क्या बस्ती वालों के बाद मालूम, क्या पुलिस वालों के बाद मालूम थी कि बस्ती वाले रात को पथराव करने वाले हैं, इसलिए वहाँ पर 200 से 250 पुलिस वाले मौजूद रखे थे आप लोगों ने, जबकि सारी बातें हो गई थी, सब तय हो चुका था, मामला ठंडा हो गया था, वो भी शांत हो गए थे, उसके बावजूद भी आप लोगों ने वहाँ पर बलपूर्वक घरों में घुस करके बस्ती वासियों के साथ, जिनके परिवार के साथ घटना घटी है, उनके साथ आप लोगों ने मारपीट करी। उसके बाद साथियों इन्होंने जो मारपीट करी पुलिस प्रशासन ने वो करी, उसके बाद में ड्राइवर, जिस ड्राइवर ने बच्ची को मारा, उस ड्राइवर के कहने पर FIR करके
करीब करीब 12 से 14 लोगों का के नामजद FIR किया गया, जबकि वो अस्पताल में अभी भी पड़ा हुआ है ड्राइवर, जिसको सजा होनी चाहिए, जिसको जेल में जाना चाहिए, वो FIR कर रहा है उन 14-15 लोगों के खिलाफ में कि इन लोगों ने मुझे मारा, और पुलिस और प्रशासन उनका साथ दे रही है क्योंकि वो एक कंपनी का ड्राइवर है। पुलिस प्रशासन और यहाँ की राज्य सरकार कांग्रेस पूरी तरीके से खड़ी हुई है उस कंपनी के साथ में जिस कंपनी के ड्राइवर की गलती है, और जिस कंपनी की गलती है, कंपनी ने करीब करीब 1,00,000 कैश और 4,00,000 का चेक दिया भी है, उसको देना भी चाहिए क्योंकि गलती उनके ड्राइवर की है। दूसरा पॉइंट यह है कि वहाँ पर जो डिवाइडर था वो पूरी तरीके से टूटा हुआ है, वहाँ पर कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है, और उसी बस्ती और उसके आसपास के बस्ती के करीब करीब 300 से 400 बच्चे उस क्षेत्र को पार करते हुए, उस हाईवे को पार करते हुए स्कूल पढ़ने जाते हैं, और इसका जवाबदार कहीं ना कहीं प्रशासन, कहीं ना कहीं कलेक्टर, कहीं ना कहीं SP, ये सारे हैं। जबकि जब बलपूर्वक जब वहाँ पर पिटाई हो रही थी तो बताते हैं वहाँ पर SP साहब भी मौजूद थे, ऐसा बस्ती वालों ने कहा, बस्ती वालों ने ऐसा बताया। एक तो एक परिवार की बच्ची ख़त्म हो जाती है, उसके साथ आपको सहानुभूति होनी चाहिए, तो उल्टा और आप लोग बलपूर्वक उनके घर में घुस करके पिटाई करते हैं। मेरे ख्याल से दुर्ग प्रशासन पूरी तरीके से पागल हो चुका है, उन्हें इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। एक तरफ आपके ज़िले में बाढ़ आ रही है, कई बस्तियों के अंदर बाढ़ से कई बस्तियों में उसका असर पड़ा है, अभी परसों हमने रिपोर्ट बनाई है। दूसरी तरफ बच्चे अगर मर रहे हैं, लगातार एक्सीडेंट हो रहे हैं जिलों में, अभी लगातार पिछले 3 से 4 महीने में करीब करीब कई एक्सीडेंट बच्चों के हो गए, लेकिन पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से सोया हुआ है। दुर्ग में 3-4 एक्सीडेंट हुए, उनकी रिपोर्ट लिखी गई है, उसमें कांग्रेस के कुछ नेता शामिल हैं, उसका अभी तक किसी भी प्रकार का पुलिस प्रशासन ने कोई रिजल्ट परिणाम नहीं दिया है, सिर्फ कार्रवाई हो रही है इस नाम से बोलते हैं। तो मेरा प्रशासन से यही कहना है, अभी भी जाग जाइए, कहीं ऐसा ना हो पब्लिक जाग जाए तो आपका रहना मुश्किल हो जाएगा। तो फिलहाल मैं इस तरह की जो रिपोर्ट है, आगे और भी हम लोग लेकर के आते रहेंगे, हमारा उस परिवार के साथ पूरी गूंज पत्रिका गूंज लाइव न्यूज़ का पूरी तरीके से संवेदना है, और मेरा यहाँ के कलेक्टर से निवेदन है कि वो इस केस पे ध्यान दें, और जो भी इसमें जो भी पुलिस वाले हैं उन पर तुरंत कार्रवाई करें। फिलहाल के लिए मैं गूंज लाइव न्यूज़ से शिव कुमार सिंह विदाई चाहता हूँ। नमस्कार दोस्तों।